दोस्तों एस के इलेक्ट्रॉनिक सर्कल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास एक ये पेडिस्टल फैन बोलते हैं या तूफान पंखा भी बोलते हैं, कई नामों से जाना जाता है पंखा, और मेरे पास ये बिल्कुल डेड कंडीशन में आया है। इसको करेंगे हम रिपेयर, और रिपेयर में देखेंगे इसमें क्या क्या होगा, बंधेगा या क्या होगा क्या नहीं देखेंगे, क्योंकि छोटे मोटे काम तो ग्राहक कर लेता है, जैसे लीड वीड चेक करना या ये चीप चेक करना, जब ये मेरे पास फाइनली आया है। अब देखिए दोस्तों ये इसका प्लग है, प्लग भी उसने काट के नया लगा लिया। तो देखिए यहाँ से करते हैं ऑन, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल भी नहीं चल रहा, ये देखो ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। इसके अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिस कारण से ऐसी दिक्कत आ रही है? तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं। खोलने के लिए यहाँ पे सिंपल इसमें एक टेप लगा होता है, इसमें पेच वाला पंखा ही नहीं है। पहले यहाँ से ऐसे कर लेते हैं बंद। बंद करने के बाद थोड़ा सा हमें इस तरह से करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों खुल चुका है कनेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्शन सारे हो रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, इसकी लीड ही चेक करनी है। तो ये लीड एक बार हम यहाँ से वायर हटा करके लीड चेक कर लेते हैं। तो हमने ये ले ली लीड। लीड के लिए सिंपल है, मैं इसे दोनों तारों को आपस में टच करूंगा और सीरीज बोर्ड में इसकी मैन लीड लगा देता हूँ। तो भाई देख सकते हैं ये काम कर रही है मैन लीड। तो अब मैं इसे हटाता हूँ, तो देखो ये देखो, तो मैन लीड तो परफेक्टली काम कर रही है, तो मैन लीड की तो दिक्कत है नहीं। अब हमें करना क्या पड़ेगा, तो दोस्तों हमें करना है कंडेंसर चेक। तो कंडेंसर चेक करने के लिए कंडेंसर को हटा लेंगे। हमने कंडेंसर हटा लिया, अब हमें लेना होगा कंडेंसर चेक करने का मल्टीमीटर, जो कैपेसिटर चेक करने होता था। यहाँ जाइए सर, तो इसे मीटर को करते हैं ऑन। ऑन करने के बाद इसमें यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट ही होता है, ये 4 mF का है, कितने mF है वो देखेंगे। तो 3.41 UF है, ठीक है, mF ठीक है। mF और mF में बहुत डिफरेंट होता है। ये mF रह रहे हैं 3.4, यानी कि अभी ये पंखा चल जाता है, इसमें दिक्कत डेड वाली नहीं आनी चाहिए थी। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर दोस्तों ये दो तार एक जगह अटैच हो रहे हैं, ये देखो मैंने हटा दिया, अब कोई बात नहीं। ये दो पीले तार हैं, दो काले तार हैं, तो हम इन पे एक बार दोस्तों रीडिंग चेक कर लेते हैं। रीडिंग कैसे, या तो मल्टीमीटर से या सीरीज बोर्ड से। तो मैं क्या करूंगा, सीरीज बोर्ड का ये तार ले लूंगा, ठीक है, यहाँ से इसे इस तरह से कर लेता हूँ। देखो अब ये सीरीज बोर्ड का तार है, यहाँ पे देखो, ये देखो जैसे मैं टच कर रहा हूँ तो लाइट जल रही है वहां पे, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ पीले वाले वायरों पे, तो देखिए दोस्तों पीले वाले वायरों पे कोई भी हमारी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, ठीक है। सीरीज बोर्ड का बल्ब दिखा दो दोस्तों, देखो बल्ब दिखा दो, ये देखो कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, अगर मैं टच कर रहा हूँ तो आ रही है, ठीक है। अब हम काले वाले और चेक कर लेते हैं इसी तरह से, ठीक है। तो ये देखिए काले वाले पे भी हमारी कोई रीडिंग नहीं आ रही है, ठीक है। तो चलिए हमने दोस्तों ये तार एक तरफ कर दिए हैं, अब कर लेते हैं मल्टीमीटर से चेक। ये देखो मैं कर लेता हूँ मल्टीमीटर से चेक, इसको फंक्शन पे लाता हूँ बीप साउंड पे, ये देखो, ये देखो ठीक है। अगर ये ठीक होगा तो दोस्तों बीप साउंड बोलेगा। तो पहले लगा लिया हमने ये, फिर ये देखो कुछ भी नहीं आ रहा। काले वाले पे चेक कर लेते हैं, तो ये देखो इस पर कुछ नहीं आ रहा, यानी कि इसके अंदर या तो कोई चूहा बढ़ के तार काट दिए हैं। यहाँ पे देखेंगे कंडीशन, देखते हैं एक बार, ये देखो या तो इसके अंदर चूहे ने किसी ने तार काट दिए हैं, और या इसके वायर दोस्तों खराब होकर खिंच के मिले, या गल गए हैं, या एल्युमिनियम होता है तो दोस्तों दिक्कत आती ही आती है। तो चलिए एक बार दोस्तों देख लेते हैं इसके जाले वाले सारी चीज खोल लेते हैं हम यहाँ से एक बार। इसको यहाँ से खोलेंगे, काफी ज्यादा टाइट है ये, तो हमारा खुल गया आसानी से। इसको कर लेते हैं एक तरफ, और हमें एक बार इसकी पंखड़ी खोलनी होगी, यहाँ से देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। वीडियो को लास्ट तक देखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास भी ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि मोटर है, और यहाँ से फिर खोलने होंगे हमें इसके पेच। तो यहाँ पेच लगे हुए हैं इसके, तो ये पेच खोल लेंगे, टाइट भी हैं किसी के ढीले भी हैं, तो ये हमें खोलना होगा, और इसके मोटर पे हमें काम करना होगा, ठीक है। हमने इसके चारों पेच खोल लिए हैं, अब हल्की सी हमें दोस्तों इसमें चोट मारनी है, या तो हम कोई हथौड़ी ले लेंगे या कोई प्लास लेंगे, हल्की सी मारनी है, ज्यादा नहीं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों हमने इसका स्टेटर निकाल लिया है, अब हमें देखना है कि इसकी वायरिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसकी वायरिंग की कंडीशन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कटर ले लेंगे, इसको यहाँ से वायरों को कट कर देंगे सारियों को, पहले मतलब जो इस पे पहले धग्गा लगा है जब, ठीक है, वायर का ध्यान रखना है। ये देखो इस तरह से, तो ये हमने खोल दिए सारे तार इसके।
ये देखो कुछ इस तरह से कंडीशन है यहाँ पे वायर की, काफी ज्यादा टाइट हो रहे हैं वायर तो। ये देखो ये गल गए थे, ये देखो अंदर ही अंदर ये गल गए, ये देखो। ठीक है चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। तो हम यहाँ से इसके वायरों को एक बार कर लेते हैं, खोल लेते हैं वैसे इसको यहाँ से, ये देखो। ठीक है उसके बाद इस पे रीडिंग और चेक करेंगे। ये देखो यहाँ पे कंडीशन इस तरह की थी, एक तार ही आ गया हमारा मेन। अब दूसरा देख लेते हैं दूसरे क्या कंडीशन है। तो ये तो टूट गया, कोई बात नहीं ये टूट जाएगा, टूट जाने दो। इसको देख लेते हैं तीसरे वाला हमारा ये है। तो इनको पहले हम यहाँ से दोस्तों कट कर लेते हैं एक बार, जहाँ में लगे जॉइंट है वहाँ कट कर लेते हैं। ठीक है एक यहाँ पे लग रहा है हमें जॉइंट, देखो। ठीक है अब इन्हें वायरों को हम ब्लेड की सहायता से छील लेंगे, क्योंकि अगर हमने ज्यादा कुछ खेचीतानी करी तो दोस्तों कॉइल पे से टूट सकता है तार, और फिर हमारा ये दोस्तों रिवाइंड ही करना पड़ेगा नहीं तो। तो यहाँ से हम इसको खोल लेते हैं, इसके अंदर हमारा सिंगल तार होगा वो हमें देखना है। तो अभी हम इसके यहाँ से स्लीव निकाल लेंगे। तो ये हमने बारीक स्लीव यहाँ पे निकाल ली, आप देख सकते हैं कंडीशन कुछ इस तरह की है। तो हम यहाँ पे एक कैप्चर ले लेंगे इसका, ये देखो अब ये बारीक स्लीव निकल गया। तो इसके अंदर भी एक वायर होगा इसका, इस तरह से हमें निकालना है, क्योंकि अगर हमने ज्यादा इसमें खेचेदानी कर देना तो हम ये वायर टूट टूट जाता और फिर ये बांधने रिवाइंड करना पड़ता। तो अभी फिलहाल क्या है कि हमारा शायद तार यहाँ से निकल जाएगा बड़े आसानी से। ये देखो तार इसके अंदर आ चुका है, क्योंकि ये थोड़ा आराम से करने वाला काम होता है। ये देखो तार आ चुका है ना, बच गया। तो ऐसे ही हमें दूसरी साइड करना होगा, ये देखो तार अंदर की कॉइल का भी एक आ गया। अब रह गए लास्ट की ये वाली, तो ये वाला भी ऐसे ही करना होगा हमें। तो यहां से छील ले रहे हैं इसको, तो इसमें दोस्तों क्या होता है दो रनिंग होती है दो स्टार्टिंग होती है। देखो यहाँ पे दो तार ही आ गए, अब इसको पहले स्लीव को जो एक्स्ट्रा स्लीव है कट कर लेते हैं। ये देखो दो मतलब दो कॉइल बाहर की होती हैं, दो कॉइल अंदर की होती हैं। तो जो बाहर की होती हैं वे मेन है हमारी, जिसे हम रनिंग बोलते हैं, जो अंदर की है वे स्टार्टिंग है, जहाँ पे हमारे कैपेसिटर की लाइन लगती है। तो अब हमें एक बार टेस्ट कर लेने हैं इनको यहीं के यहीं। चलिए एक बार दोस्तों इन्हें टेस्ट कर लेते हैं मल्टीमीटर से। तो ये रहा हमारा मल्टीमीटर। ठीक है मल्टीमीटर में क्या है कि पहले अंदर अंदर की कॉइल चेक करते हैं, अंदर वाली पे लगाया और अंदर वाली पे ये देखते हैं इससे इसका अटैचमेंट तो नहीं है। ये देखो इस पे तो कोई रीडिंग आ नहीं रही, ये देखो इस पे कोई रीडिंग नहीं है। बाहर के पे देखते हैं, बाहर पे आ रही है 139 ओम। अंदर के पे और दोबारा देखते हैं, देखो इस अंदर भी आ रही है 140 ओम के आसपास आ रही है। ठीक है तो हमें क्या करना होगा कि दोस्तों अब हमें ये दो तार की वायरिंग अलग निकालनी है और ये दो तार की वायरिंग अलग निकालनी है। तो चलिए हम दोस्तों इनके तार लेते हैं, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने इस तरह के चार तार ले लिए हैं, उससे पहले आपको या तो कोई कपड़े की टेप लगा लेनी है या अपनी सेफ्टी जो भी आपको लगे कि हाँ ये टेप सही है जो फूके ना, वो टेप लगा लेनी है पहले। वैसे तो कपड़े वाली टेप आती है इसकी, पर मैं ये वाली लगा रहा हूँ, चल जाएगी मेरी, ये अच्छी वाली है। ठीक है इसका ग्रेड बहुत अच्छा है, और इसकी कपड़े वाली टेप आती है या आप कपड़े वाला जो ग्रेड बनता है वो भी लगा सकते हैं। ठीक है ये हमने लगा लिया, क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं कनेक्शन यहीं पे दूंगा, किसी वजह से ज़्यादा गर्म हुआ तो दिक्कत नहीं आएगी। अब ये मैंने चार तार लिए हैं, चार तार लेने का मेरा इसके अंदर एक बहुत बड़ा रीज़न है, कलर अलग अलग। ठीक है वो कलर अलग अलग क्यों लिए चलिए वो भी दिखाता हूँ आपको। पहले मैं इसमें ये लगा लेता हूँ, ठीक है मैंने स्लीव चढ़ा दी इस पे और मैं इस पे भी स्लीव चढ़ा देता हूँ। और इसमें मैं दोस्तों आपको एल्युमिनियम पे शोल्डिंग करके दिखाऊंगा, ऐसे तो इजी है पर लेकिन कुछ भाइयों को पता है कुछ को नहीं पता कैसे करनी होती है,
वो मैं सिखा दूंगा। तो दोस्तों इस तरह की दिक्कत आपके पास जरूर आ सकती है, और इस दिक्कत को ठीक करने के लिए आप कितने रुपए लेते हो हमें जरूर बताना, और मैं आपको बताऊंगा इस दिक्कत के ठीक करने कितने रुपए लेने चाहिए आपको। तो मैं यहाँ पे क्या है कि अंदर की जो कॉयल है उस पर ब्लैक वायर लगाऊंगा। इस तरह से अब मैं इस पे दोस्तों सोल्डरिंग भी करूंगा एक बार, ठीक है। सोल्डरिंग हो जाएगी, इसके लिए पेस्ट होता है, सिंपल सा एक पेस्ट होता है इसका, वो पेस्ट लगा करके आप सोल्डरिंग कर सकते हो, इससे कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके सोल्डरिंग करूंगा अभी। ठीक है, अब रेड वाले जो वायर हैं ये लगाने हैं आपको बाहर की तरफ कॉइल में, जिसे हम रनिंग रनिंग बोलेंगे। और इसमें दोस्तों आप धागा भी बांध सकते हो, या ज्यादा 180 डिग्री वाली टाई आती है वो भी लगा सकते हैं, ऑप्शनल है। मैं टाई लगाना कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे टाइम बचाना होता है। तो हमने यहाँ पे ये लगा दिया, ठीक है। अब इनकी मैं दोस्तों कर लेता हूँ सोल्डिंग। सोल्डिंग के लिए इसमें एल्युमिनियम पेस्ट आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला है पेस्ट, एल्युमिनियम सोल्डर पेस्ट। तो मैं इसको यहाँ से खोल लेता हूँ। खोलने के बाद इसका मुझे ढक्कन उतारना पड़ेगा क्योंकि इसमें ढक्कन लगा होता है। ये ढक्कन उतारने के बाद दोस्तों इसमें हल्का सा मैं लिक्विड अप्लाई करूंगा सभी पे, हल्का हल्का सा, ठीक है, ज्यादा नहीं, सिंगल सिंगल ड्रॉप आप घेर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करूंगा कि इसको दोस्तों सिंपल आपको सोल्डर इस पे लाकर नहीं करना, ये चीज याद रखनी है। जैसे बहुत से भाई इस तरह से करेंगे, वो नहीं करनी आपको गलती, ठीक है। आपको करना है कि पहले सोल्डर लेना है बिट पे, जब उसका पेस्ट खत्म हो जाए तब इस पेस्ट का यूज करना है। ये देखो इस तरह से सोल्डिंग देख लो कितनी अच्छी हो गई है, ठीक है। इस तरह से यूज करना है इसका, मतलब जो सोल्डर के साथ जो पेस्ट आता है ना, वो पेस्ट पहले आपको ऐसे ही फूंक लेना है, तब आपको उसके पास लेके जाना है। ये देखो, ठीक है, मस्त सोल्डिंग हो रही है। ये देख सकते हैं, ठीक है, सोल्डिंग हो गई है। अब ये मैं स्लीव थोड़ी सी ऊपर चढ़ा लेता हूँ, क्योंकि ये स्लीव हमें धीरे धीरे ऊपर चढ़ानी होगी जब ही ये हमारे ढक पाएंगे कनेक्टर्स जो है, जॉइंट्स जो है हमारे, तो हमारे जॉइंट यहाँ पे इस तरह से ढक गए हैं। तो इसमें सिंपल ही क्या था कि वायर ऐसा होता है, एल्युमिनियम की वायर ज्यादा दिन होने के बाद ये कार्बन पकड़ लेती है, पता नहीं किस वजह से बहुत दिन हो जाने के बाद ये दिक्कत आती आती है। और इस पंखे में नहीं, दिक्कत दो चार सीजन में सभी में बनती है, बड़ी बड़ी मोटरों में भी, छोटी छोटी में भी। इसलिए तो कहते हैं एक बार ही ले लो चीज, कॉपर की ले लो, अच्छी ले लो, हालांकि कॉपर की आजकल कम देखने को मिलती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ये तो यहाँ तक तो ये कर लिया, उसके बाद हम हाई हीट सिंक वाली टाई ले लेंगे। यहाँ पे फिलहाल एक टाई लगाएंगे बीच में कोई भी, जिससे कि हमारी मोटर का जो ये सिस्टम है ना, जो वायर लगे हुए हैं सारे रनिंग स्टार्टिंग कॉमन वाले, ये सारे के सारे एक जगह सेट हो जाए, ठीक है। तो हम मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं वायरों को इस तरह से करके यहाँ पे, और इसको यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। चारों को एक जगह ले आए, अब यहाँ पे हम एक टाई लगाएंगे, और टाई इस तरह से लगानी है जो कि कोई वायर ना टूटे। और मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये सिंपल टाई नहीं है, आप अच्छी कंपनी की मोटर कभी खोल के देखना, उसके अंदर भी एक टाई लगी मिलेगी आपको, जो महंगी मोटर होती है कॉमर्शियल, ठीक है। मैंने यहाँ टाई लगा दी, बाकी दो चार टाई और लगा देंगे इसके अंदर, यहाँ पे एक दो टाई और लगाएंगे, जिससे कि हमारी ये सारी की सारी वायर एक जगह रुकी नहीं। उसके बाद ही आपको मोटर को चलाना है, क्योंकि इससे पहले चलाओगे तो कोई ना कोई वायर आपसे टूट जाएगा और खराब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको फिट कर लें। तो फाइनली हमारे ये तो कनेक्शन तो बन चुके हैं सारे। अब एक बार इस पर रीडिंग और चेक कर लेते हैं, तो एक बार इस पर रीडिंग और चेक कर लेते हैं जी, ब्लैक पे ब्लैक और रेड पे रेड पे रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है।
तो चलिए आपको दिखा देते हैं ब्लैक पे। ब्लैक से आप देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूटी पे दिखाते हैं, ये देखो ठीक है 141। और ब्लैक से रेड पे नहीं आनी चाहिए, आप देख सकते हैं नहीं आ रही। अब रेड से रेड पे देखते हैं, तो ये देख सकते हैं रेड टू रेड भी आ रही है यहाँ पे। दिखाइए सर, ऊपर भी दिखाओ ना, रेड टू रेड भी आ रही है। तो रीडिंग अब दोनों की ओके है। चलिए इस पंखे को जल्दी से कर लेते हैं पैक। तो हम यहाँ से इसको इस तरह से लगाएंगे जैसे पहले लगा हुआ था। चार वायर हमें पीछे की तरफ को निकालना है इस तरह से, ठीक है। और हमें उसी तरह से लगाना है जैसे पहले लगा हुआ था, आसानी से लग जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो हम एक हथौड़ी लेंगे सर, हमें कोई हथौड़ी दो हल्का सा, इसको ठोक लेंगे। तो जैसे ही हमने निकाला था ऐसे ही आपको ठोकना है हथौड़ी से। तो हम यहाँ से एक हल्के सा हथौड़ी के प्रेस कर लेंगे या इसको आप खोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये धीरे धीरे हमारा जाएगा, क्योंकि अगर हमने ज्यादा कोशिश करी तो टूट भी जाता है। तो बीमारनी चोट आपको बीच में है, ठीक है। देख सकते हैं ये आ चुका है सेट, ठीक है। अब इसके हम पेच और लगाएंगे चारों। जब तक हमारे चारों पेच नहीं कस जाएंगे, जब तक ये दोस्तों मोमेंट में नहीं आएगा, मतलब फैन जो है मोमेंट में नहीं आएगा सही तरीके से। देखो इसको घुमा लेते हैं, अब इसको चारों एक सारे एकदम कर लेते हैं बढ़िया तरह से। तो अब हम इसके सारे चारों पेच कस लेते हैं और जाला लगा देते हैं, पंखड़ी लगा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों, चारों पेच तो मैंने लगा दिए, क्योंकि इन्हें पेच को लगाने में एक दो चोट चाट मारनी पड़ती है और पंखड़ी लगा दी है, बाकी इसका आगे मैंने भी कुछ नहीं किया। इसके लिए आप देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे चार तार मिल गए हैं। चार तार में कोई दो तार को एक जगह कर लेंगे यहाँ पे, कोई भी, मतलब कोई का मतलब है दो अपोजिट, जैसे एक ब्लैक एक रेड हमने एक जगह ले लिया, और जो दो खाली बचे हैं इसके साथ लगाना है हमें कैप्चर, ठीक है। अब हमें रेड और दोनों रेड के साथ जो है अपना मेन लीड जोड़नी पड़ेगी, जो इसके अंदर पहले लीड थी। तो ये हमने मेन लीड ले ली है, अभी बंद है, ठीक है, बंद है ये। और यहाँ पे इसको लगाते हैं, अगर ये सीधा चलता है तो कनेक्शन यही छोड़ देंगे, अगर उल्टा चलता है तो दोस्तों हम इसको कनेक्शन बदल लेंगे। तो ये देखिए सीधा चल चुका है, ये देखो पंखा बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्पीड भी आ रही है, हवा भी आ रही है, ठीक है। ये देखो बढ़िया तरह का चल रहा है, एकदम मस्त। चलिए बंद करता हूँ, ये देखिए, ये देख लो एकदम मस्त चल रहा है, स्पीड भी एकदम गजब आ रही है। तो इसी तरह से दोस्तों आप कर सकते हो। पंखे से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर जा सकते हो, प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बना रखी है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आप 5 मिनट में घर पे बैठे इसे रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन तरीका होना पता होना चाहिए। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।